मेरी और करण की फर्स्ट एवर पिक्चर टुगेदर, हम दोनों की पहली पिक्चर जो साथ में है। बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि हिमाचल में ये सब कुछ हो रहा है। मतलब आई थिंक पिज्ज़ा खा के मैं ठीक हो जाऊंगी। ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया ये? ओहो ये कैसे हुआ? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी कैंडी। और मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगी जो मैंने कल पढ़ा था, बिकॉज सुबह सुबह अच्छे से याद होता है, ऐसा बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डे गाइस। मैं नहाकर आ चुकी हूँ और ये क्वाड सेट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और अब एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों तैयार हुई हूँ, बिकॉज आज मैं, मम्मी और मेरा भाई जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग पर, मतलब जो महीने का राशन वाशन वो सब होता है वो सब कुछ लेने। सो अब बस मैं अपने बाल ड्राई कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर हम निकलेंगे। और लंच आज हम कहीं बाहर ही करेंगे, कुछ स्पेशल खाएंगे आज गाइस। तो हम हो गए हैं रेडी, ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज मैंने खाए आलू के परांठे, ये बहुत ही टेस्टी। तो बस मम्मी आ रहे हैं और चलते हैं। और अब देखो ये क्वाड सेट इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है, अच्छा लग रहा है और देखने में भी बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं, मम्मी भी रेडी हो गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और देखो पीछे से कौन आए, बस तू तो चल ही रहे हमेशा। कल इसने मम्मी का वो क्या कहते हैं उसे, मक्खन जो चढ़ाया हुआ था वहाँ रखा हुआ था भगवान जी के पास चढ़ाने के लिए, आई और चाट के चली गई। फिर मम्मी ने इसे डांट के, फिर मम्मी ने इसको डांट के भगाया, तो ये कल नहीं आई, फिर आज आ रही है। गाइज मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आज आउटफिट पहना है, क्वाड सेट पूरा, तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और इतना ब्रीदेबल सा कपड़ा है इसका, मज़ा सा आ गया और देखने में भी बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो बस अब चलते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो गाइज हम आ गए हैं और घर का कुछ सामान लेना है मम्मी को, तो बस चलते हैं अंदर। गाइज मेरा फेवरेट सेक्शन तो ये है, देखो ये रहा मेरा फेवरेट सेक्शन गाइस, ये देखो। ये रख लेती हूँ मैं तो दो, हाँ ये वाले, पर फाइव स्टार मुझे इतनी पसंद नहीं है, मुझे तो डेरी मिल्क ही पसंद है। किस किस की फेवरेट होती है आलू भुजिया? आलू भुजिया से ज़्यादा एडिक्टिव कुछ नहीं होता, मतलब ये इतनी एडिक्टिव होती है, एक बार खाना चालू करते तो खाते रह जाते हैं। गाइज मम्मी तो राशन शॉपिंग कर रही है और मैं खाने पीने की शॉपिंग कर रही हूँ, कुछ भी ऐसे कभी कभी खाने के लिए। ये देखो हमारा वेट कौन करा था यहाँ पे, इतने दिनों बाद आया। गाइज मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी सच में, वहाँ पे जैसी मैं आई मेरी इतनी तबीयत सी ख़राब होने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे सर भारी भारी हो रहा है, मुझे लगा मैं वो ना हो जाऊँ, बीमार ना हो जाऊँ। और ये मुझे नीचे से बुला रहा है, हाँ हाँ हाँ, अदे कितने नखरे कर रहा है, क्या चाहिए क्या चाहिए। ओ गाइस पर लेकिन हाँ सामान जो चाहिए था वो मैंने ले लिया। सो गाइस मैंने मेरी और मम्मी के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, तो वो आ गया है, तो भी खा लेते हैं बिकॉज बहुत भूख लग रही है और मम्मी का भी मन कर रहा था, तो चलो। गाइस मुझे इतना लो फील हो रहा था ना, मैं सच में जब से आई हूँ ना वहाँ से मैं इतनी थक गई थी, मैं थकना भी गया, जैसे मैं एंटर करी थी वहाँ पर मुझे ऐसा फील होता जैसे मैं बीमार हो गई हूँ या कुछ, मतलब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। और अब मुझे इतना लो सा फील हो रहा है, मतलब ओ गॉड क्या बताऊँ, आई थिंक पिज्ज़ा खा के मैं ठीक हो जाऊँगी। जस्ट किडिंग, मतलब पिज्ज़ा खाने का मन तो कर ही रहा है, आ जाए तो अच्छी बात है। मैं वही देख रही हूँ, आप सोचोगे मैं वहाँ कहाँ देख रही हूँ, मैं एक्चुअली वो देख रही हूँ कि वो डिलीवरी वाले भैया आने वाले हैं उस साइड से, यहाँ पर पता नहीं चलता ना कहीं, मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पर डिलीवरी के लिए बुलाना ही बड़े मुश्किल हो जाता है बिकॉज लोगों को पता नहीं चलता कहाँ जाना है कहाँ नहीं। आई कैन सी हिम नाउ, तो आने वाला होगा। इस लाइटिंग में मैं कितनी अच्छी आ रही हूँ, मैंने अब रियलाइज़ करा। गाइस आप लोग ना इस पेंडेंट के बारे में पूछ रहे थे, ये क्यूट सा, तो ये मैंने किसी इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाया था। अब मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा अपना ऑर्डर लेने, तो चलते हैं। शिव मंदिर के पास लेगा था, थैंक यू भैया। गाइस ऑर्डर आ गया है और देखो आज यहाँ से क्लीन वाटर आ रहा है, किसी दिन क्लीन आता है किसी दिन ख़राब आता है, मतलब रोज़ तो क्लीन ही आता है लेकिन आज पता नहीं। गाइस इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, लेकिन डोमिनोज ना मेरे घर पे डिलीवर नहीं करता है,
बट मुझे डोमिनोज सबसे अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट पिज्ज़ा मेरा फेवरेट डोमिनोज ही है, उससे बेस्ट पिज्ज़ा नहीं हो सकता। बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर डिलीवर नहीं करता है, तो पता नहीं मैंने कहाँ से मंगवाया पहली बार, देखते कैसा आता है। गाइज यहाँ पर लाइट नहीं है, पता नहीं कब चली गई। मम्मी सो रहे थे। ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया ये। ओहो ये कैसे, बट टेस्टी लग रहा है देखने में, टेढ़ा कर दिया। इस मम्मी का मन था तो पिज्ज़ा खाने का, मम्मी ने ही बोला था मंगाने के लिए। अब खुश हो आप? हाँ खुश हूँ। इतने बुरी शक्ल बना के बोलो खुश हो। हाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये सैंडविचेस है, ये हिमांशु खा लेगा। गाइस मैं अपना पिज्ज़ा एंजॉय करती हूँ। चीयर्स। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मेरी और करण की फर्स्ट एवर पिक्चर टुगेदर, हम दोनों की पहली पिक्चर जो साथ में है। तो मैं वो अभी स्क्रीन पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लगती है वो पिक्चर, क्योंकि उससे बहुत सारी यादें याद आ जाती है मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे लगाती हूँ, अब देखना। तो गाइज ये वो पिक्चर है और आई स्वेयर इस पिक्चर में मैं थोड़ी गोलू मोलू टाइप थी और वो थोड़े हैवी बियर्ड और बाल के साथ। अब उसने बाल वाल कटवा लिए, बियर्ड कटवा ली, मैं थोड़ी पत्ती सी हो गई। कितने चेंजेस दिख रहे हैं इस पिक्चर में, मैं खुद शॉक हो जाती हूँ देख देख के कभी कभार, बहुत सारे चेंजेस है। बट इट्स ए रियली नाइस पिक्चर और बहुत ज़्यादा यादगार है ये पिक्चर। सो आई होप आपको ऐसे पसंद आई होगी। सो गाइज ऐसे ही मैं आपसे ना कुछ पुरानी पिक्चर्स शेयर किया करूँगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं करूँ या ना करूँ। बट हाँ मैं ऐसे से आपसे पिक्चर्स शेयर किया करूँगी पुरानी, कोई भी अपने बचपन की या फिर कुछ ऐसी टाइप की, तो प्लीज़ बताना मुझे आपको कैसा लगेगा। मैं तो इतना थक गई थी आज, वैसे मैंने आपको बताया ही था, अब मैं तो चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा, प्लस मुझे पढ़ना भी है अभी थोड़ी देर। बट मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, बट चलो ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी गेन करके पढ़ाई शुरू करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो देने ही हैं यार, वो वेट नहीं करेंगे कि मेरा मूड है या नहीं है, वो तो ऑब्वियसली देने ही है। तो बट हाँ पिज़्ज़ा अच्छा था और सैंडविचेस मुझे इतने खास नहीं लगे, तो पिज़्ज़ा तो मैंने अच्छे से खाया, उससे मुझे बहुत अच्छा भी फील हुआ। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसको खाना खाने से इंस्टेंटली उसका मूड लाइटन अप हो जाता है, मतलब मेरा मूड बहुत अच्छा होता है जैसे मैं खाना खाती हूँ, कोई भी अपना फेवरेट फूड खाती हूँ तो मेरा मूड डिपेंडेंट है खाने पे। सबका अलग अलग होता है, किसी का म्यूज़िक सुनने से होता है, किसी का किसी चीज़ से होता है, लेकिन मेरा हाँ। सो ये था फन फैक्ट अबाउट मी। गाइस बारिश इतनी हो रही है आजकल कि हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, मतलब ग्रीनरी होना तो अच्छी बात है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी तो जहाँ पे मैं फंस गई थी ना लैंडस्लाइड में, वो वाला रोड और टूट गया एक्चुअली। तो यार बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि हिमाचल में ये सब कुछ हो रहा है, मतलब इट्स वेरी सैडनिंग, मतलब बहुत बुरा फील होता है क्योंकि बहुत सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि एक रोड ऐसी चीज़ है ना, उससे उस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रहते हैं, किसी को कहीं जाना होता है काम से, किसी को कुछ जाना, किसी को अपनी फैमिली से मिलने जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, तो ये सब की वजह से ना सबके काम रुक जाते हैं। बट क्या बोल सकते हैं अब, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर, और नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक बात और, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। गाइज ऐसा मत करो, 80% ऑफ यू गाइज डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, मतलब आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। गाइज ये वाली चप्पल मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और ये बहुत ही अच्छी आई है यार, मतलब मैं सेकेंड टाइम इसे वेयर कर रही हूँ और अच्छी लगी मुझे ये, देखने में भी अच्छी लगती है सूट्स या किसी के भी नीचे, और कम्फर्टेबल भी है। और ये मम्मी का तीसरा आम, मैं तो तीसरी बार आम खा रही, तीसरी बार आम खा के थक गई। इतने अच्छे लग रहे हैं आपको इस बारी, खट्टे मीठे, मुझे तो एक भी नहीं दिया आपने, खा लो भाई, मैंने कहा मना किया है, उधर ही रखे हैं, बस रहने दो खाना खाना। और ये किसका व्लॉग चल रहा है देखो। Guys, that was it for today's video. I hope आपको पसंद आई होगी. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.